रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र से पूजित अक्षत कलश जो हमारे पावन शहर रियासी में भी पहुंचे हैं, जिनकी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना का आज दूसरा दिन है। आज संध्या काल में पंडित महेंद्र भारद्वाज जी द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की गई एवं पंडित चमन जी जो निरंतर कल से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से अपने शहर वासियों से पुनः सूचना भी देना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहता हूं कि इस पूजा अर्चना के विशेष कार्यक्रम के तहत कल शाम 4 बजे सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया है। तो तमाम शहरवासियों से, धर्मप्रिय जनता से निवेदन है कि कल ठीक 4 बजे रामलीला मैदान रियासी में ये जो सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया है, इसका हिस्सा बने। तमाम माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, जो भी श्रद्धालु जन हैं, धर्मप्रिय जनता है, तो ये एक बड़ा सुनहरी और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये मौका हमें मिला है कि अयोध्या में 22 तारीख को, 22 जनवरी 2024 को रामलला की भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर स्थापना होने जा रही है। और उसी कड़ी में जो निमंत्रण देने का कार्यक्रम है, वो भी आगामी 1 तारीख से 15 तारीख तक हर एक ग्राम, हर एक नगर, हर एक बस्ती में चलेगा, भारत वर्ष में चलेगा और रियासी में भी उसी तरह से चलेगा। तो लेकिन इस कड़ी में जो अक्षत कलश अयोध्या से पहुँचे हैं, वह रामलीला मैदान रियासी में हमने स्थापित किए हैं 5 दिन के लिए। आज दूसरा दिन है, कल तीसरे दिन के कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम के तहत सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया है। तमाम शहरवासियों से निवेदन है कि उस सुंदरकांड के पाठ का हिस्सा बने और पुण्य लाभ अर्जित करें। होशियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल भावना
हनुमान की सचिया जोता वाली मान।